बट अगर आप सस्ते के चक्कर में कि यार ये तो पचास हज़ार का ज्ञान दस हज़ार में है तो भैया मेरे मत लुटना क्योंकि वो बुरनीों से भी आपको बुर्णियों पढ़ा के ही निपटा देंगे और आपको लगेगा हाँ भाई हमें सीखने में टाइम तो लगेगा नहीं लगता अच्छे से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे कहना ये चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच मैं इस पर गया और आई एन की लाइन देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ अरे आई एन की लाइन तो गलत है और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार क्या प्रॉब्लम है तो घूम गया मैं जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो ना ताकि उसको नॉलेज मिले फिर उसको कॉलेज भेजते हो है ना वैसे ही आपको भी स्कूल आने की ज़रूरत है मोबाइल के चाइना में मोबाइलों को कॉलेज नहीं बोला जाता वो बहुत अच्छा करते हैं चाइना के अंदर इंस्टीट्यूट को स्कूल कहा जाता है आई फिक्स स्कूल रिवा स्कूल तो कहीं भी जाओ किधर भी जाओ भाई जाओ और सीखो बोर्नी पर निर्भर मत हो दूसरी एंड लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि भैया मेरे आप प्लीज़ जल्दबाजी में आप सस्ते इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि आप सस्ते क्योंकि जो लोग ज्ञान को सस्ते में बेच रहे हैं सो so, डिस्क्लेमर पहले दे दू इस वीडियो का यार देखो बोर्नियो आपको लेना ही लेना है बोर्नियो बहुत अच्छा है और बोर्नियो की तो मार्केटिंग सबसे पहले मैंने ही की थी मुझे पता है बोर्नियो शायद भूल गया है और बोनियो के लोग भूल गए हैं पर जेड मेरे एक और मैं जानता हूँ इंडिया के अंदर सबसे पहला वीडियो बोर्नियो का मैंने बनाया था बोनियो वाकई में एक मोबाइल इंडस्ट्री में एक बूस्टिंग का काम करता है मतलब मोबाइल की इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत हाइप किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट खड़े किए क्योंकि आज 98 एट परसेंट इंस्टीट्यूट बोर्नीय के दम पर हैं मैं सच बता रहा हूँ जिस दिन बोर्नी बंद हुआ ना उस दिन आधे इंस्टीट्यूट निपट जाएंगे <laughs> बट यार बोर्यों मैं बस ये वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है कि क्या आपको जब आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हो तो आप एक एंड लेवल का नॉलेज लेने जाते हो एंड आप जाते हो कि सर मैं एडवांस लेवल की चीज़ें सीखूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ बुरनियों वो एडवांस लेवल की चीज़ें आपको जब नहीं दे रहा तो आप तभी जाते हो ना कि जब बुरनियों से पढ़ लिया नहीं है कहीं ना कहीं गलती है तो कहीं ना कहीं या फिर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे एडवांस समझना है और जब आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूट और आपको इंस्टीट्यूट में क्या पता चलता है कि बोर्नियो से पढ़ा के भेज दिया तो आपके साथ चीटिंग हो जाती है तो यही मैं आपसे याद कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए कि क्यों और वो दूसरा पर्पज मेरा ये कहने का मतलब ये है कि बोर्डियो सी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो बोर्नियो है हमें इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है सारी लाइन है में सारी लाइन है में सारी लाइन है में तो मेरे भाई सारी लाइने बोर्नियों में नहीं है प्लीज़ इस चीज़ को समझो प्रैक्टिकली दे बता रहा हूं एक फ़ोन अभी रिपेयर किया है वो को एस थ्री प्रो बोर्नियो में सारी लाइन नहीं है मैं भी बोर्नियो यूज़ करता हूं और मैं तो बहुत बड़ा प्रमोटर हूं बोर्नियो का और मैं रिजाल का बहुत बड़ा दोस्त हूं आप लोग मिले थे उसके इवेंट में भीड़ भाड़ में मैं मिला था अकेले पर्सनल और कश्मीर के होटल में बात समझ रहे रिजाल इज़ माई गुड फ्रेंड एंड आई लव बोर्नियो एंड आई ऑलवेज प्रमोट बोर्नियो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कुछ मत लो बोर्नियो परचेस करो और बहुत अच्छे पैसे हैं तो फिक्स पे जाओ। बट इंडिया के अंदर अब बोर्नियो के नाम पर लोग धांधली कर रहे हैं आपको इंस्टीट्यूट के नाम पे बुलाते हैं और बोर्नियो पढ़ा के ही भेज देते हैं तो आप समझो तो क्यों आपको ये इसलिए मैं वीडियो को ये बना रहा हूं तो प्लीज ये वीडियो को पूरा देखना दूसरा कि बुर्डियों में पूरी लाइनें नहीं है ये बात समझो अगर आपको कोई टेक्नीशियन या कोई दुकानदार है अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम तो उठा लो और सब कुछ उसके अंदर है तो सब कुछ उसके अंदर नहीं होता है प्लीज देख लो ये वीडियो और हाँ बुर्डियो परचेस करना आज के आज अगर आपके पास नहीं है तो क्योंकि बोर्डियो आपको एटलीस्ट उठाएगा जीरो से टेन तक और टेन से हंड्रेड तक लेके जाएगा एक परफेक्ट टीचर सो हेलो हाय कैसे आप सभी लोग मैं देव अग्रवाल दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ देखिएगा और ख़ासतौर तो पर वो लोग जो बोर्नियो यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वाकई में बोर्नियो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है क्या आप उसको आग बंद करके भरोसा करेंगे देखो आप मेरी कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूँ ठीक है प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं आपको ये नहीं कह रहा बोर्नियो बंद कर दो डिलीट कर दो ठीक है करो बट ध्यान से करो और ये भी समझो कि कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है वो हो सकता है कि पूरा सच्चाई ना हो हो सकता है कि आप अपने सेट में किसी भी तरह का फॉल्ट लेकर आ जाओ या कस्टमर आपके पास कोई और फॉल्ट लाया आपने और फॉल्ट बना दिए या आपने सेट पर आपने आप डैडी कर दिया आपने हाँ तो इसको प्लीज़ समझ लो हुआ क्या है एक्चुअल में मैं एक आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे साथ है ना ये हुआ है मैं एक पोको एस थ्री प्रो का चार्जिंग बना रहा था ओके अब तो इसका चार्जिंग बन गया है नोटिस करो इसके अंदर ना डुअल चार्जिंग सर्किट यूज़ किया गया है ये देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर टर्बो चार्जर यह लगा है बी क्यू टू फाइव नाइन सिक्स एट आई गेस और एक पी एम बी ठीक है तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो बी क्यू टू फाइव नाइन सिक्स एट में था अगर मैं सही बोल रहा हूँ नंबर तो इफ आई एम करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग ठीक है तो ये इसका एक टर्बो चार्जर है सेकेंडरी पार्ट जिसको हम देखो दो तरह की चार्जिंग है आपको तो पता ही है इंडक्टिव और कंडक्टिव ये कंडक्टिव चार्जिंग है अभी हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ थी बोर्नियो के डाटा में आपको क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा चलो अब मैं ये भी बताऊंगा क्या बोर्नियो आपको पूरा डाटा दे रहा है या आपको आधा अधूरा सोल्यूशन दे रहा है तो देखो आप ट्रस्ट काम कर रहे हो आप बहुत सारे दुकानदारों की बात सुनते हो आप बहुत सारे यूट्यूबरों की बात सुनते हो या जो भी है आप कहीं से भी नॉलेज लेते हो तो आपको लगता है कि भाई बोर्नियो है मेरे पास आई एंड ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं आपका एक भ्रम दूर करता हूँ ये वीडियो पुलिस पूरा देखिए पर यार क्योंकि आप लोगों के लिए है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने पोको एस थ्री प्रो का एक बिटमैप ओपन करके रखा हुआ है ठीक है सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोको एस थ्री प्रो ने जो चार्जिंग डाटा में क्या क्या सप्लाई देके रखी है पहले हम उसकी डिटेलिंग करते हैं बोर्नियो अकॉर्डिंग टू तो बोर्नियोग क्योंकि जो भी टीचर अगर इसके पढ़ा रहे हैं तो आप समझ लो कि आप आपका भविष्य आधा अधूरा ही है और प्रॉब्लम यह है कि आपको किसी ना किसी को तो बताना ज़रूरी है अब मुझे इसलिए क्योंकि मैं वो टीचर हूँ जो बुरनी से बिल्कुल नहीं पढ़ाता जो बुरनीों के डायग्राम या बुरनी के हार्डवेयर सलूस को यूज़ नहीं करता बट मैं ये जरूर कहूँगा कि बने हमारे लिए तुम्हारे लिए हमारे लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लेने ही नहीं है ये कोई साइकिल वाला तो यूज़ करेगा नहीं करना हमें ही है पर क्या हमें पूरा ट्रस्ट करना चाहिए बिल्कुल नहीं तो ये इसके लिए एक वीडियो है तो प्लीज़ उसको देखिए अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूं देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि ने अगर आपके पास एक चार्जिंग सेक्शन आता है और आपको लगता है कि आपकी हेल्प करेगा तो चलो देखते हैं कितनी हेल्प कर रहा है पहले वो आपको बता रहे एक बीबस की सप्लाई जो आपको यहाँ से बीबस से रेड कलर की सप्लाई निकल रही है ना आपको ये दो आपके दो पैलर कैपेसिटर हैं बी बैट और ये आपके इस पी से आउट हो रही है बेसिकली यहाँ पर ठीक है चलो ओके मैं मान लेता हूँ बहुत बढ़िया है बेस्ट है तो आ, बी बैट फिर बता रहा है बी बस बी बस जो आप चार्जर लगा के सबसे पहले आप अपना एक इनपुट वोल्टेज देते हो ये आपके यहाँ पर यहाँ से आ रहा है कनेक्टर के सी पॉइंट से आ रहा है और ये बी बस ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर उन्होंने पैलर बताया है और फिर यहाँ के आके एक मॉसपैड लगा हुआ है दोस्तों ये एक ओ बी समझो आप इसको एक ओ बी से एंटर करता है और उसके बाद ये देखो डायरेक्टली घुसा दिया इस आई के अंदर तो ये आधा दूरा सच है एक्चुअल में ये इस आई के साथ इस आई के अंदर भी जा रहा है मैं आपको चलो इसका प्रैक्टिकली देता हूँ क्योंकि आ, अब तो मैंने बोर्ड बना दिया तो बोर्ड पे क्या दूँ क्योंकि आप क्लास आएंगे तो बोर्ड पे भी दूंगा क्योंकि बोर्ड पे ही देते हैं हम लोग हम बोर्डियों से नहीं पढ़ाते और हम आपको बहुत एडवांस लेवल पे खैर छोड़ो उसकी क्या बात करें अब हम यहाँ पर जाते हैं अब यहाँ पर नोटिस करो हमने बिड मैप को देखते हैं अब समझ ना दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा बिड मैप भी सही है हो सकता है बिड मैप भी गलत हो अब हम यहाँ पर दे जाएंगे इसके सी में क्लिक करेंगे ये सी में आए तो ये आपको एक लाइन मिल गई ठीक है बोर्नियो के नया अपडेट है कि भैया सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा सिर्फ वही हाईलाइट होगा बाकी सब कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा कि वही हाईलाइट हो तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो इस कैपेसिटर के साथ ये और कॉम्पोनेंट कनेक्टेड है ठीक है और यहाँ पर आप देखो तो ये एक सीरीज कॉम्पोनेंट है जो कि इस आई के अंदर भी जा रहा है ठीक है ये यू एस हो सकती है कोई भी हो सकती है और यहाँ पर जबकि बोर्डियो ने अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर नोटिस करो बोर्डियो ने यहाँ पर इसके ऊपर रजिस्टर जो लगा यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं दी तो पहली गलती पूरी बीबस को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो उससे बाधी अधूरी बीबस को एक्सप्लेन कर रहा है मैं कह रहा हूँ इतना कर रहे थे तो ये कैपेसिटर भी क्यों डाल दिया डायरेक्ट उठा के सीधा आईसी में घुसा देते भाई कोई एहसान कर रहे हो तो एहसान कर दो भाई डायरेक्ट उठा के डाल देते हाँ। चलिए ठीक है ये यू एस -E लगी है बराबर यू एस बोलते हैं इसको फास्ट चार्जिंग आई सी में इसको लेते हैं हम यू एस है और ये आपका मॉसपैट है ये आपका अब देखो यहाँ इस आईसी का कुछ लेना देना ही नहीं है जबकि अब आप मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉसपैट से होते हुए एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ये मान लेते हैं इन ये मान लेते हैं आउट आप यहाँ उठा के यहाँ पे जंपर मार सकते हो पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या जंपर मारना चाहिए बिल्कुल नहीं अगर आपका वोल्टे फ्लक्चुएट कर रहा है तो जंपर मार के करोगे क्या यहाँ भी वोल्टे फ्लक्चुएट करेगा आपने ये आई सी ही उठानी है ठीक तो कैसा है अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ इसके बाद ये देखो ये एक मिनट ये देखो यहां पर आ गए तो देखो ये मॉसपेट दिखाई दे रहा है आपको एक्चुअल में आउट है ये नहीं था ये तो ये एक आप ये समझो कि ये गेट है जो कि इस मॉसपेट को इनेबल कर रहा है ठीक है ये गेट की तरह है ये आईसी इस मॉसपेट को इनेबल कर रहा है तो देखिए अभी मैं आपको इस आईसी का भी डिटेलिंग देता हूँ इस वीडियो में सब देता हूँ तो फिलहाल हम बात करते हैं ये हमारा आउटपुट है अब नोटिस करो हमारा चार्जर डाटा से यहाँ से होते हुए जा रहा है ये देख रहा है बिल्कुल सही है मतलब ये बोलेंगे तो वाओ बुनियो ने कितना बढ़िया काम किया बढ़ यार ये तो यहाँ पर भी घुस आ रहा है और यहाँ पर भी दे रहा है और ये देखो ये यह यहाँ पर घुस आ रहा है और सीधे यहाँ पर दे रहा है वो भी एक ही कैपेसिटर में दे रहा है बाबू अगर ये भी तुम्हारा मान लो टेस्ट पॉइंट निकल ये कैपेसिटर निकल जाए तो तुम तो ये कैपेसिटर बनाने के लिए खुद दो क्या इसी क्योंकि तुम दिमाग नहीं लगाओगे ना तुम ये भी नहीं सोचोगे कि उन्हें तुमने तो बोर्नियो को भगवान मान लिया है ये देखो तीनों कैपेसिटर से कनेक्टेड है और ये बी बस की इनपुट लाइन है क्योंकि दो चार्जिंग आईसी है ना आपकी तो दोनों चार्जिंग ऐसी मैं पहला ही एक साथ ही जा रहा है वो बराबर सामेन टेंसिली एक ही साथ वर्क करेगा चलो ठीक है ये भी नहीं अब यार आगे हम डिस्क डिस्कस करते हैं भाई कहाँ क्योंकि आप बोर्नियो के सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन पर मत जाओ आप बोर्नियो के बिडमैप पर भी जाओ दोनों में ही हार्डवेयर सोलूशन आधा दूर है मैप गलत ही है मतलब बहुत जगह पे गलत है चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पर नोज कट पॉइंट दे दिया ये बिल्कुल सही है आप इस नोज कट पॉइंट को देख के अपना आईसी को लगा भी सकते हो बराबर ठीक है यहाँ पर नोज कट पॉइंट की यहाँ पर बात की उन्होंने ठीक है चलो हो सकता है यहाँ पर नोज कट पॉइंट भी हो, चलेगा बट अगर मैं यहाँ नोज कट पॉइंट की बात करूं था पर यहाँ पर ये यह जो मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूँगा तो बिल्कुल गलत है बिड मैप में वो नोज कट पॉइंट यहाँ दिखा रहा है नोटिस करो इसका ये देखो एवन यहाँ नोज कट पॉइंट से ये वन चालू होता है कि नहीं होता है क्यों इंजीनियर हाँ आजकल जो आ गए हैं जो दो दो महीने पुराने सीखे हुए जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियर्स बन गए तो इंजीनियर्स भी बुलाऊंगा भाई इंजीनियर्स <laughs> ये नोज कट पॉइंट है कि नहीं है नहीं है क्योंकि कैसा है ना अभी मोबाइल रिपेयरिंग की वो भी बात करते हैं जिन्होंने मोबाइल छुआ भी नहीं पर वो सिखा रहे हैं पी खोल के क्या करेंगे बहुत बुरे हाल है भाई भाई यहाँ पर देखो ये यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं ठीक है चलो और देखते हैं इन्होंने क्या क्या बात की है इन्होंने चार्जिंग सेक्शन को बनाने के लिए एक बी बस दे दिया एक बी बैट दे दिया एक बी पी एच दे दिया, दिया बैटरी का आपका बैटरी सेंस दे दिया जो कि यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि इसके अंदर आपके देखो ये दो बैटरी सेंस है नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है ये दोनों आपके यहाँ पर जा रहे हैं पी एम बी में चार्जिंग आई सी में ही जाते हैं ये आप इसको बोलोगे डी सी टू डी सी चार्जिंग सब पावर और एक थर्म दे दिया एक डी और एक डी इनके हिसाब से चार्जिंग का सर्किट खत्म हो चुका है ये क्या हो ये क्या बात है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भैया बोर्नियो से पढ़ने वालों क्या वाकई में चार्जिंग इतना ही है क्या बात सिर्फ बी बैट बी बस डी पी डीएम बी पी एच क्या इसके बाद चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है हाँ अभी आप कितने सारा इशू फेस करते हो सर ऑन होने पर लग रहा है ऑफ होने पर नहीं लग रहा सर चार्जिंग के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स सा आ सकती हैं माफी चाहूंगा एक बार थोड़ी वॉइस ज्यादा आ रही है चार्जिंग सेक्शन में ना बहुत सारी चार्जिंग सेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है भैया अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक ना इसके बारे एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोग देखना वो वीडियो कैसा है वो वीडियो है आई एन टी पर वट इज़ आई एन टी इंटरप्रेट एक्चुअल में ना लोग उसको सिर्फ ये सोचते हैं कि वन पॉइंट एट वोल्टेज आ जाए, जाए मेरा लाइन ओके है या जी आर चेक कर लेते हैं और मेरा लाइन ओके है नहीं है भाई उसको टेस्टिंग करने के अलग ही तरीका है एक निंजा टेक्निक है अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको बताऊँगा क्या है पर मैं अगले वीडियो में फिलहाल माँ चलो इसमें ना माँ आई एन टी की लाइन धोते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है नाइन्टी एट परसेंट लोग नहीं जानते ये कहते हैं ना वो ऊपर टैग लाइन होता है नाइन्टी नाइन परसेंट लोग नहीं जानते कि ये बात अरे वो खुद नहीं जानते आई एन की लाइन ढूंढते हैं बहुत सारे फॉल्ट आपको मिलेंगे नाइन के आई के अंदर देखो आई में कैसा है ना हम इस बी में जाते हैं तो इस बीक्यू का हमने डाटा निकाला है ये बी का डाटा है नोटिस करो अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है बी क्यू टू फाइव नाइन सिक्स एट बराबर अब इसमें बी क्यू में जो आपका आई एन टी है वो सी सेवन पर है बराबर मतलब क्योंकि बीक्यू टू नाइन फाइव सिक्स एट तो सब जगह एक ही जैसा लगा होगा बट अगर मैं यहाँ तो आई का लेना देना है ही नहीं क्योंकि उनके लिए तो खाली ये चार सप्लाई बेबी वर्क बच्चों वाला काम की अच्छा टीचर है ना वो कभी आप देखेंगे कि तो बोर्डियों से नहीं पढ़ाएगा हाँ स्कमेटिक से नहीं पढ़ाएगा वो अपना ही एक अलग ट्रेसिंग वे दिखाएगा क्योंकि स्कमेटिक हर एक का तो नहीं मिलेगा ना अब मैं आपके सामने एक स्कमेटिक ओपन करके एक एक का वोल्टेज चेक करते जाऊँ ये क्या बेचिए तो वो तो मोबाइल बन जाएगा पर बाकी के चार क्या करेंगे तो और स्कमेटिक वाली मोबाइल बनाना है तो फिर आप इंस्टीट्यूट क्यों जा रहे हो भाई देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बिड मैप में भी जाते हो चलो इस ये बिड मैप है तो यहाँ पर अगर हम सी सेवन की बात करें ये देखो यहाँ पर आपने ए वन बी वन सी वन भी देख रहे होंगे तो ये आ रहा है सी सेवन ये सी सेवन तो भैया मेरे इन्होंने क्या ही लाइन बता दी है यहाँ पर और ये कौन सी लाइन है सी सेवन ये देखो ये बी बैट बी बैट कोई सेंस लाइन बता बी बैट को ही बता दिया सी सेवन मतलब यहाँ पर ये पूरा की पूरा नक्शा गलत है पैड सही है लाइनिंग सही है पर ये जो ए बी सी डी है ये पूरा की पूरा गलत है ये एक्चुअल में यहाँ होना ही नहीं था ये होना था यहाँ इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक दिखाता हूँ मैं आपको इसका भी एक रिजल्ट देता हूँ मेरे हिसाब से सी सेवन होना था ए बी सी एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सी सेवन होना था ये देखो ये है आई एन टी की लाइन जो कि सी पी यू से होते हुए एक पुलअप रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है और ये देखो ये वो पुलअप रजिस्टर है है, है ना और ये देखो और ये वन पॉइंट एट का रजिस्टर होगा ये सब जगह जाएगा आपके एम एम सी के अंदर आपके हर जगह पर जाएगा ये देखो ये हर जगह पर जा रहा है आपके वी आई ओ लाइन सारा क्योंकि वन पॉइंट एट लाइन है तो अब आप सोचेंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं हमारा बोर्नियो सही है बोर्नियो तो भाई लो भाई चलो मैं आपको बताता हूँ चलो मान लेते हैं कि वो डाटा गलत है जो मैं डाटा से उठा रहा हूँ चलो इस डाटा के अंदर आप देखो तो पूरे डाटा के अंदर केवल दो ही एन सी हैं एक ए फाइव और एक एच फाइव एन सी पॉइंट है जो कहीं नहीं जा रहे हैं नोटिस करो यहां पर तो आपको कोई एनसी दिखाई नहीं दे रहा यहां पर भी कोई एनसी दिखाई नहीं दे रहा यहां पर भी एक ये दिखाई दे रहा है एच फाइव और एक ये दिखाई दे रहा है ए फाइव ठीक है क्लियर है अब यहां पर हम जाएंगे अब यहां पर भी देखो तो दो ही एनसी सी हैं देखो पूरी में एनसी का कलर यही होता है ना आपके टीचर ने यही बताया ना कि कुछ और बता दिया है ब्लू कलर एनसी है अब यहां पर हम जाएंगे तो हमारा क्या था भैया एक था ए फाइव और एक है एच फाइव चलो ठीक है तो ये हो गया ए तो यहां से ले लिया ए बी सी ए तो भैया ये तो ई एट में बता रहा है एन चलो ठीक है और ये ई वन में बता रहा है मतलब मैं मामला ही डिस्टर्ब है तो अगर हम अपने आ, सही तरीके से गिनें तो ये ए हो जाएगा एक दो तीन चार ये पांच हो ये है हमारा ए फाइव और एच फाइव तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दो तीन चार ये आपका पाँच हो गया ये हो जाएगा आपका मतलब आपका नोज कट पॉइंट यहाँ है अब आप मुझे बताओ अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो आप क्या करोगे आप यहाँ से ये लाइन देखोगे भैया ये लाइन तो ऐसी है और आप कुछ का भी कुछ भी जंपर मार दोगे कहने का मतलब है कि आप बिटमैप में भी आधे अधूरे हो और हार्डवेयर सोल्यूशन में भी आप आधे अधूरे हो फिर भी लोगों को बुढ़नी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा भरोसा है और इस भरोसे पे वो अपने दुकान का काम अधूरा कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बुढ़नी से काम करो अभी कैसा है मुझे इसमें ना आई की प्रॉब्लम थी तो आई का प्रॉब्लम हमने दूर किया इसका डायग्राम नहीं था हमने भी इसको खोला आई की लाइन शॉर्टकट के लिए भाई ट्रेसिंग करना एक लास्ट रिसोर्सेस है कि हम बस हमारा टेक्निक तो यूज़ करेंगे ही करेंगे आओ देखे जब हमने इतना पैसा दिया इसको तीन हज़ार दो हज़ार कितने का खरीदा आपने पता नहीं तो ये आप ये सोच लो कि ये खरीदने के बाद भी अगर आप मैं इस पर गया और मैं आई की लाइन देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ अरे आई की लाइन तो गलत है और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार क्या प्रॉब्लम है तो घूम गया मैं फिर बाद में पता चला कि बिटमैप तो गलत ही है तो एक्चुअल में ना आपको अपना दिमाग लगाना है और दिमाग आपके पास नहीं है आप मान के चलो जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना ताकि उसको नॉलेज मिले फिर उसको कॉलेज भेजते हो है ना वैसे ही आपको भी स्कूल आने की ज़रूरत है मोबाइल के चाइना में मोबाइलों को कॉलेज नहीं बोला जाता वो बहुत अच्छा करते हैं चाइना के अंदर इंस्टीट्यूट को स्कूल कहा जाता है आई फिक्स स्कूल रिवा स्कूल क्योंकि वो उसको स्कूल मानते हैं हम लोग क्या है उसको इंस्टीट्यूट लेवल पर दे दिए इंस्टीट्यूट तो वो धांधली हो गया इंस्टीट्यूट नहीं है ये स्कूल है आप लोग और जो फ्रेशर होते हैं ना उनको स्कूल जाना पड़ता है तो कहीं भी जाओ किधर भी जाओ भाई जाओ और सीखो बोर्नियो पर निर्भर मत हो दूसरी एंड लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि भैया मेरे आप प्लीज़ जल्दबाजी में आप सस्ते इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि आप सस्ते क्योंकि जो लोग ज्ञान को सस्ते में बेच रहे हैं तो आप सोचो कि वो आपको किस तरह से पढ़ाएंगे हर चीज़ बाईपास हर चीज़ में आपको ये बोला जाएगा कि आपको मेहनत करनी होगी एकदम से आई सी बोलनी होगी आपने दस हज़ार बार करनी है तब जाए तो अगर ऐसा हो रहा है आपको एक बार में आई नहीं लगेगी तो कि आप वीक हो हम तो लगा देंगे या हम हमने तो पाँच साल दस साल मेहनत की आप वीक तो ऐसे अगर आपको मिल रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आता हम आपको कितना भी समझा दें अगर आपको ऐसे सुनाई दे रहा है कि भाई आ, कुछ जाकर 200-300 रुपए कमा लोगे 500 सौ कुछ कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा अगर आपको ऐसे सुनाई दे रहा है या आपको कैसे भी सुनाई दे रहा है तो आप समझ लेना कि वो कम फ़ीस वाले हैं और आप कम फ़ीस के चक्कर में चले गए क्योंकि वो आपके माइंड को खेल गए वो जानते हैं कि स्टूडेंट जो आ, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं उनको हम कम फ़ीस के चक्कर में ले सकते हैं लुभाम ऑफ़र मैडमों के कॉल या किसी भी तरीके से आपको लुभाना मल्टीमीटर एक सौ रुपये का मल्टीमीटर है पाँच सौ रुपये की एसेसरीज फ्री दे देना एक बैग दे देना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वर्थ एड नहीं है जो डेढ़ सौ रुपये का भी नहीं होगा हाँ और उस बैग आपको लगता है कि वाह कितनी सारी चीज़ मिल गई ये तो मुझे आ, मतलब इंस्टीट्यूट आने से पहले ही मिल गया और डेमो क्लास के नाम पर आपके सामने एक पावर आई सी रिबोल करना है एक सी प्यू रिबोल कर देना या दो तीन स्कमेटिक ओपन करके बता देना तो मतलब आप समझो कि यार नहीं है देखो डेमो क्लास के चक्कर में भी मत जाओ पहले इंस्टीट्यूट का पूरा इतिहास समझो आप समझो कि डेली वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हर महीने स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हर महीने बैचेस के स्टूडेंट का आउटपुट है कि नहीं है पिछले महीने के स्टूडेंट से बात करो आप जब भी मुझे कॉल करना ना तो मेरे से एम सर से नंबर ले लेना पुराने स्टूडेंट का और उनसे बात करना कि आप गए तो कैसे आप आपको लग रहा है क्या आपको क्या काम करवा रहे हैं ये लोग आप उसके दो महीने पहले स्टूडेंट से बात करना रेफरेंस लो कोई कोई बुराई नहीं है ठीक है बट अगर आप सस्ते के चक्कर में कि यार ये तो पचास हज़ार का ज्ञान दस हज़ार में तो भैया मेरे मत लुटना क्योंकि वो बुरनी से भी आपको बुढ़ियों पढ़ा के ही निपटा देंगे और आपको लगेगा हाँ भाई हमें सीखने में टाइम तो लगेगा नहीं लगता अच्छे से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे कहना ये चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एक नया वीडियो आने वाला है आई एन इज़ आई ये मेरे ख्याल से यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला वीडियो होगा जो मैं डालूंगा